प्रोग्राम बहुत जल्द जल्द में पूरे बने हैं, तो मुझे अच्छा लगा कि आप सुबह भी एयरपोर्ट आए थे और मैंने प्रॉमिस की थी कि मैं आपसे मिल के जाऊँ, तो मैंने वादा निभाया आपसे। नंबर एक। नंबर दो, जो प्रशासन गांव के संग और शहरों संग अभियान चल रहा है, करीब 5-6 दिनों हम लोग गए अभी, अतीक जी और हम दोनों साथी थे, और सबसे जाके मिल रहे हैं लोगों, उत्साह है। जो काम कई बार के चक्कर लगाने होने होते हैं, वो अभियान के वक्त में एक ऐसा माहौल बनता है जिससे कि संभावना बढ़ जाती है, और वही मैंने देखा आज दो कैंपों के अंदर। बहुत उत्साह था गांव वालों में भी और शहरों में भी। सुबह जो मिलने आए थे लोग, आप मेरे कुछ लोग होंगे यहाँ पे, मैं समझता हूँ कि समस्या तो लोगों रहती है, और जोधपुर में मैंने देखा है कई राजस्थान में इलाके ऐसे हैं जहाँ लोग बहुत जागरूक भी हैं। जब जाते हैं कोई मंत्री या मुख्यमंत्री, तो वह बाकायदा, जैसे गंगानगर है, ये तुम्हारे प्रभारी रहे मालूम, हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, कुछ इलाकों में लोग आते हैं, तकलीफ देते हैं, अपनी बात प्रस्यू करते हैं और ढंग से बात करते हैं। ओवरऑल स्थिति तो ये तो ये है। जहाँ तक गवर्नेंस का मामला है कि जब अभी हमें दिसंबर में 3 साल हो जाएंगे, तो मैं इतना कह सकता हूँ कि 1.5 साल चला गया कोरोना के अंदर, उसके बावजूद भी लोग उम्मीद नहीं करते थे कि जो बजट पेश किया पिछला, तब ना किसी को विश्वास नहीं था कि बजट के अंदर जो हम लोगों ने घोषणाएँ करी है, जो विधायकों का या विधायकों के माध्यम से पब्लिक की डिमांड आई थी, उन तमाम हम लोगों ने उनको पूरा करने का प्रयास किया। शिक्षा में हो, चिकित्सा में हो, सड़कों में हो, पानी बिजली की योजनाएं हैं, तो तमाम योजनाएं ढंग से यहाँ पर गवर्नेंस हम लोगों ने 450 की हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और उसके माध्यम से एक नया अनुभव हुआ सब डिपार्टमेंट्स को भी पूरे देश के अंदर, कि ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐसी चीज़ हो गई है जिस रूप में इक्विपमेंट बहुत एडवांस आ गए हैं। जैसे आप सीधी बात कर रहे हो, सामने में बात कर रहे हो, तो आप बहुत अच्छे तरीके से आप मैनेज कर सकते हो गवर्नेंस को, दौरों के अलावा भी। तो दौरे भी चलेंगे मंत्रियों के भी, मुख्यमंत्री के, और साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी और ज़्यादा मॉनिटरिंग अच्छी होगी, वो भी जारी रखेंगे। और ये फीडबैक डिपार्टमेंट के अधिकारियों का भी है कि एक साथ में राजस्थान भर में आप, बल्कि गांव तक हम लोग जुड़ जाते थे, और जो अपनी बात कहनी होती थी आराम से कहेंगे। ओवरऑल मैं समझता हूँ कि राजस्थान में माहौल अच्छा है, कांग्रेस पक्ष में है, और लगता है ऐसा कि अगली बार जो है ये परंपरा जो बना रखी थी, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, एक बार टूट जाएगी, ऐसा लगता है, आभास लगता है। और अभी जो बाई इलेक्शन में परिणाम आए हैं, उससे और ज़्यादा इस बात की पुष्टि हो गई कि इस बार पब्लिक का मूड है कि जिस प्रकार से हमने योजनाएँ दी है, पिछली बार हमने दवाएँ फ्री करी, टेस्ट फ्री किए, इस बार हमने चिरंजीव योजना, 5 लाख तक का जो आप देखिए परिवार में आप अगर कैशलेस दे रहे हो उनको सुविधा, और आज दो लोग मिले वहाँ पर गांव में, तो उन्होंने ये कहा था हम मिला कर मेडी प्लस वहाँ पे 1.5-2 लाख रुपये खर्चा था हमारे एक नए पहले का। नागौर में हम साथ थे, वहाँ हमें मिलाया गया, वो सी के बिड़ला हॉस्पिटल में जाके आए थे जयपुर के अंदर, 2-2.5 लाख के बना थे, मैंने कोई पैसा नहीं लगा। तो ये कुछ लोग जो है 850 रुपये जो लोग पैसे वाले हैं उनके लिए रखा हुआ है, वरना पूरे प्रदेश के अंदर पूरी तरह फ्री है, और एकमात्र राजस्थान राज्य जिसने पूरे प्रदेशवासियों के लिए स्कीम लागू कर दी है। तो ये स्कीम बहुत शानदार चल रही, मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि आप भी ज़रा इसको उस रूप में थोड़ा इसको मीडियम हाईलाइट करें, जिससे कि लोग इसके लाभ लें, लाभान्वित रहे। जल जीवन मिशन जो है उसमें 50% हिस्सेदारी भारत सरकार की है, 50% हिस्सेदारी राजस्थान सरकार की है, पर मीडिया में इतने हावी हैं ये लोग, एंटी गवर्नमेंट वाले, मीडिया बहुत दबाव के निर्देश के अंदर, आप खुद देख रहे होंगे, आप भी मीडिया के लोग हैं, कि ऐसा दबाव मैंने तो मेरी लाइफ में नहीं देखा कभी, मेरे जीवन में नहीं देखा कि मीडिया एक तरफ ही चल रहा है, उनके मालिक लोगों पे इतना भय है,
कब सीबीआई आएगी, कब इनकम टैक्स आएगी, कब ईडी आएगी, किसी को नहीं मालूम। तो ऐसा माहौल बन गया है कि कुछ लोग हैं जो बिल्कुल हिम्मत के साथ में, साथ के साथ में सच्ची बात कह रहे हैं जनता को। इस माहौल में हम सबको काम करना पड़ रहा है, इसलिए हर स्कीम ऐसी लगती है कि भारत सरकार दे रही हो, जबकि 50% हिस्सा है स्टेट गवर्नमेंट का होता है। पहले CSS की स्कीम होती है, वो तमाम योजनाओं में 80-20 होता था, 20 स्टेट गवर्नमेंट का, 80% भारत सरकार का होता था, 60-40 होता था। अब पिछले इन्होंने जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से इन्होंने बराबर कर दिया था, 50% कर दिया था। बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। वैसे बहुत लंबी बात हो जाएगी, क्योंकि फाइनेंस कमीशन ने जो डिवीज़न करता है फाइनेंस का पूरे राज्यों में, उसमें उन्होंने 34 से 42 पे ले आए थे वो, पर ये CSS की स्कीम में जितनी भी थी वापस उन्होंने 50% करके बराबर उसको बराबर कर दिया। तो भारत सरकार की जो नीयत है और नीति है वो राज्यों के पक्ष में नहीं लग रही है। मुख्य बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी को चाहिए कि केंद्र तो केंद्र ही है, अगर राज्य मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा, विकास देश का तब होगा तब राज्य मजबूत होंगे, चाहे वो कोरोना हो, चाहे कोई योजना डेवलपमेंट की हो, चाहे वो केंद्र डिक्लेयर करे, घोषित करे प्राइम मिनिस्टर खुद, और चाहे हम लोग डिक्लेयर करें कोई योजना बनाए राजस्थान स्तर पर या राज्य स्तर पर, कोई राज्य हो, ये तमाम तब होगा तब आप उस रूप में आप बिहेव करोगे राज्यों के साथ में, वो आप बिहेव नहीं कर रहे। हर जगह आपकी नीयत रहती है कि डिपेंड पूरी तरह राज्य सरकारें रहे, केंद्र पर रहे। जबकि आगे बढ़ के कोरोना के अंदर भी जो इतनी बड़ी मार पड़ी, 20 लाख करोड़ का उन्होंने डिक्लेयर किया, तो हम उसको पैकेज देंगे। एक बात समझ के परे थी कि 500,000 रुपये के आप नोट बंद किए, तो ब्लैक मनी तो जब जाती है तो बड़े नोट में जाती है, इसीलिए बंद किया आपने। तो फिर आपने 2,000 के नोट क्यों निकाला फिर उसमें, और आसान कर दिया आपने ब्लैक मनी को ट्रांसपोर्ट करना। तो ये स्थिति बनी हुई है और हालात बड़े ख़राब है देश के अंदर, सौहार्दपूर्ण माहौल नहीं है देश के अंदर। कोई मिलने आते हैं हम लोगों से, किसी राज्य के लोगों को, तो कह सब जो फैसिलिटी अपने भाईचारा होना चाहिए था, सद्भावना होनी चाहिए थी, वो माहौल नहीं देश के अंदर, और देश के लोग चिंतित भी है। और मेरा मानना है कि ये स्थिति अच्छी नहीं है देश के लिए। धर्म के नाम पर आप राजनीति करो, राष्ट्रवाद के नाम पर राजनीति करो, तो ये तो कोई लड़ी विचारधारा की होनी चाहिए लोकतंत्र के अंदर, उसकी वजह हमने शिफ्ट कर दिया धर्म के नाम पर राष्ट्रवाद के नाम पर। तो ये जल्दी ज़्यादा लंबा चलने वाला नहीं होता है, लोग समझ जाएंगे धीरे धीरे और इनको खुद को समझ आ जाएंगे। वो तो 2 महीने दे रहे हैं, 2 महीने दे रहे, लगातार दे रहे हैं वो तो। फिर भी सर सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं अभी तक रियलाइज कर रही है किसानों के लिए, क्यों नहीं आगे आके काम कर रही है? ऐसा दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं देखने को मिलेगा कि किसान लोगों ने इस प्रकार धरने दिए हों, एक साल ज़्यादा एक हज़ार साल को दिए, ऐसा आज तक कभी नहीं मिलेगा। डेमोक्रेसी है, या तो आप उनको कन्विंस कर दो या आप कन्विंस हो जाओ, दो बात होती है, कहीं की तो आना चाहिए ना उसके नज़दीक, चाहे कौन गलत है कौन सही है, आप अकेले फैसले कर रहे हो। किसान कह रहे हम बर्बाद हो जाएंगे, सारी विपक्षी पार्टी देश की है एक झूठ होकर कह रही है भाई इससे किसानों को भला नहीं होगा, तभी वो जिद पे अड़े हुए हैं। तो सरकार को कभी जिद पे नहीं अड़ना चाहिए, रास्ता निकालना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो आंकड़े आ रहे हैं वो डरावना आ रहा है। कल किसानों ने जो उनका संगठन है उनका 600 लोग मारे गए किसान आज तक, तो ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है देश के अंदर। सर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अजय माकन जी हर बार कहते हैं कि पिछली बार जब मैं आया था मैं और मैं जब यहाँ गया तब रात को जाके मैंने अनाउंसमेंट किया था जयपुर। हाँ सुनिए, उस वक्त मैं जयपुर गया था, अभी मैं दिल्ली जा रहा। आप
सब्सिडी के रूप में देते और ढंग से स्कीम बनाते तो उसका जो परचेजिंग पावर होती व्यक्ति की या संस्थाओं की या व्यापार की, वो जो वापस खर्च करता, परचेजिंग पावर बढ़ती है लोगों की तो इकोनॉमी ऊपर आती है। उसी से वापस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, व्यापार है, उद्योग है, चलने लग जाते हैं। वो इन्हीं पॉलिसी में नहीं रहा, इसलिए जीडीपी नीचे आई थी। तो मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो एक के बाद एक उदाहरण ऐसे आ रहे हैं हमारे सामने, अब जो हमारा जीएसटी है, अब 5,500 करोड़ रुपये होकर बैठे हुए केंद्र वाले, उनको मालूम है राज्य सरकारों की स्थिति कोरोना के कारण रेवेन्यू बहुत कम होगी राज्यों में, उसके बावजूद भी हमें उसका जीएसटी का डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना कुछ समझ के परे हैं। अब आप देखिए इसको, जो पेट्रोल डीजल और गैस की बात है, आज़ादी के बाद में ऐसा तमाशा कभी नहीं हुआ देश के अंदर कि आप रोज प्राइस बढ़ाई आपने 25 रुपये मान लो एक साल में, और 5 रुपये कम कर दिया आपने। आज मैंने एक प्राइम मिनिस्टर लेटर लेकर आया, उसकी कॉपी आपको मिली होगी, तो अधिकांश तो उसमें आंकड़े हैं, उनको मैं रिपीट नहीं करना चाहता। इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारा जो बजट बना हुआ है, जैसे मान लो बजट हमने पेश किया, अब आप दबाव दे रहे हो राज्य सरकारों पर, आप कम करो वैट को अपना, ये कहाँ की समझदारी है। हम कह रहे हैं आप अगर कम करोगे तो उसका असर हमारे पर पड़ेगा ही पड़ेगा। अभी 5-10 रुपये कम किया इन्होंने तो राजस्थान के अंदर 1,800 करोड़ फर्क पड़ गया, मतलब हमारी रेवेन्यू उनके फैसले से 1,800 करोड़ कम हो गई। आज हम मांग करें 10 रुपये और आप कम करो पेट्रोल पे, 15 रुपये कम करो डीजल पर, वो कम करेंगे तो हमें यहाँ पर 3,500 करोड़ का फर्क पड़ेगा, हमारी रेवेन्यू कम होगी। बात वो कि वो है, इन्होंने क्या किया चालाकी से कि जो एक्साइज ड्यूटी होती है, एक्साइज ड्यूटी के ऊपर राज्यों का अधिकार होता है, उसमें डिविजिबल पूल होता है, वो सबको राज्य को बढ़ता पैसा एक्साइज का। एग्जाम्पल के रूप में अगर मान लो वो 100 रुपये थी, वो 10 रुपये ले आई है एक्साइज को, और एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी और एक सेस लगा दी अभी पिछले बजट में, उसको उन्होंने क्या किया, वो अगर 10 रुपये दे तो 90 रुपये ले गए, 80 रुपये ले गए, जिसमें राज्यों को हिस्सा नहीं मिलता है। ये बिल्कुल क्लियर कट बात है कि जो पैसा राज्यों को मिलता था वो पैसा शिफ्ट हो गया एक्साइज ड्यूटी से एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, उसको आपने भी कम किया, इसका मतलब क्या हुआ।